आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर स्क्रिप्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं बेबी वॉकर के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चे को बेबी वॉकर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कौन सी सही उम्र होती है बच्चे को बेबी वॉकर देने के लिए, कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए उसमें बच्चे में जब आप बच्चे को बेबी वॉकर दे रही हैं, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जब आप बच्चे को बेबी वॉकर दे रही हैं, किस उम्र तक बच्चे को बेबी वॉकर देना चाहिए, चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। जब आप बच्चे को बेबी वॉकर दे रही हैं तो आपको जो ध्यान रखने वाली सबसे पहली बात होती है वो ये कि बच्चा कितना बड़ा हो गया हो, कि उसके मसल्स उसके बोन्स मजबूत हो गए हों, और जब आप बच्चे को बेबी वॉकर में रख रही हैं तो उसका पैर जो है वो ज़मीन पर टच होना चाहिए, यानी कि बच्चे का जो पैर है वो ज़मीन पर तभी टच हो सकता है जब बच्चा बैठने लगा हो, यानी बच्चा कम से कम 7-8 महीने का ज़रूर होना चाहिए ताकि जब आप बच्चे को बेबी वॉकर में रखें तो उसका पैर जो है वो ज़मीन पर टच होगा। अगर ज़रा सा भी वो बेबी वॉकर इधर उधर होता है तो बच्चा अपना पैर ज़मीन पर टिका देगा और वो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे के लिए जब आप बेबी वॉकर ले रही हैं तो वेटेड लीजिए, यानी एकदम हल्का ना हो, वेटेड हो, वजन हो, और ज़्यादातर जो स्क्वेयर टाइप का आता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आजकल तो एकदम से लेटेस्ट भी आने लगा है, पीछे से हैंडल लगा हुआ रहता है, तो अगर आप इधर उधर हैं और ज़रा सा भी आपने देखा कि बेबी वॉकर उलटने वाला है तो आप तुरंत उसे पकड़ सकती हैं। और जब भी आप बच्चे को बेबी वॉकर में रख रही हैं तो आप उसके आसपास ही रहें, ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को बेबी वॉकर में हॉल में रखा है और आप किचन में चली गई या फिर बेडरूम में चली गई, आप थोड़ा आसपास ही रहें या फिर इतनी दूरी पर कि आप बच्चे के ऊपर नज़र रख सकें, और आधा घंटा पौने घंटे से ज़्यादा बच्चे को बेबी वॉकर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब बेबी वॉकर में आप रखती हैं तो उसका बच्चे का पूरा जो भार होता है, उसका जो बैलेंस होता है, वो बेबी वॉकर संभालता है। और जब बच्चा खुद से, यानी जैसे कि आपका सहारा लेकर के, आपके हाथ का सहारा लेकर बच्चा चलने की कोशिश करता है या फिर सोफ़ा वगैरह पकड़कर बच्चा चलने की कोशिश करता है तो वो अपना बैलेंस खुद संभालना सीखता है, यानी बच्चा अपना बैलेंस खुद संभालना सीखता है, जबकि बेबी वॉकर में उसका पूरा बैलेंस जो है बच्चे का वो बेबी वॉकर संभालता है। इसलिए बच्चे का खुद से चलना ज़रूरी है, यानी आपके हाथ का सहारा लेकर के भी चलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो खुद अपना पूरा बैलेंस संभाल रहा है और धीरे धीरे उसको उसकी आदत हो जाती है। तो इसलिए 7-8 महीने का जब बच्चा हो जाए, अच्छी तरह से बैठने लगे, उसके बोन्स उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएँ, तभी ही आप बेबी वॉकर दीजिए। और देते समय आपकी नज़र के आसपास हो बच्चा, और नीचे जहाँ जिस एरिए तक बच्चा है वहाँ पर कोई नुकीली या धारदार चीज़ ना हो, कोई ऐसा खिलौना या भारी वस्तु ना हो जिससे कि बच्चे को जख्म लगने की संभावना हो, और आसपास पानी ना हो, यानी पानी ना गिरा हो फर्श पर, और बाथरूम वगैरह का जो दरवाज़ा होता है जहाँ पर कि बच्चा चल करके बेबी वॉकर के सहारे जा सकता है, वो दरवाजे बंद करके रखिए। इसके अलावा कभी कभी घर में क्या होता है कि ऊँचे हाइट का टेबल वगैरह होता है और उसके नीचे आराम से जो बेबी वॉकर है वो चला जाता है, तो ऐसा अगर है आपके घर में तो उसको कवर करके रखिए जब आप बच्चे को बेबी वॉकर में रख रही हैं। और कुछ ज़रूरी पेपर्स होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चा अब हर चीज़ के पास पहुंच सकता है बेबी वॉकर के सहारे, तो कुछ ज़रूरी कागजात पेपर या फिर जो मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह होती हैं, ऐसी चीज़ों को छुपा करके रखिए, किसी ड्रॉवर में बंद कर दीजिए ताकि बच्चा उस तक न पहुंच सके, क्योंकि वो तो नवजात है, उसको नहीं पता है कि ये चीज़ें उसके लिए हानिकारक होनी, हो सकता है बच्चा अपने मुंह में डाल ले, पेपर हो सकता है बच्चा फाड़ दे, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को संभाल करके किसी ड्रॉवर में बंद कर दीजिए, बच्चे की पहुंच से दूर रखिए। बच्चे को जिस बेबी वॉकर में आप रख रही हैं तो उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं कोई नुकीली इस तरह का जो पार्ट होता है उसका नुकीला तो नहीं है जिससे कि बच्चे को जख्म लग जाए। और जब भी आप बच्चे के लिए बेबी वॉकर ले रही हैं तो आगे से देखिए टॉयस वगैरह लगे होते हैं रंग बिरंगी, तो इससे बच्चा काफ़ी देर तक उसमें खेलता भी है, तो इस तरह का बेबी वॉकर लीजिए। और जब बच्चा आप जैसे कि हाफ आवर्स तक बच्चे को बेबी वॉकर में रखती हैं, उसके बाद आप स्वयं बच्चे को गोद में लेती हैं या फिर
उसको चलाने की कोशिश करते हैं या फिर बच्चा सोफा वगैरह पकड़ करके चलने की कोशिश करता है, तो आप नोट करिए, अगर बच्चा अपना बैलेंस संभालने लगा है, बच्चा स्वयं से एक दो कदम चलने लगा है, तब आप बेबी वॉकर देना बंद कर दीजिए। यानी 1 साल की उम्र तक, फर्स्ट बर्थडे तक ज़्यादातर बच्चे चलने लग सकते हैं, या फिर 13, 14, 15 महीने तक चलने लग सकते हैं। तो वो चीज़ आप नोटिस करिए, अगर बच्चा आपका थोड़ा बहुत चलने लगा है एक दो कदम, तब आप बेबी वॉकर देना बंद कर दीजिए और बच्चे को खुद का बैलेंस संभालने दीजिए, उसे खुद से चलने की आदत डालने दीजिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे बच्चे को बेबी वॉकर देना चाहिए या नहीं, कब किस उम्र में देना चाहिए, किस उम्र में बेबी वॉकर देना बंद कर देना चाहिए, कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको भी इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।